अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे सीएसएस 2017 का क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, जनरल साइंस एंड एबिलिटी पास्ट पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने कहा है कि अ मैन बाइज 5 केजी ऑफ मीट एट रुपीज 500 पर केजी। एक किलोग्राम मीट का जो प्राइस है वो है 500 पर केजी, और उस पर एडिशनली वो कितने पैसे दे रहा है, 6% टैक्स दे रहा है ऑन ईच एवरी किलोग्राम ही परचेज्ड। ठीक है जी, तो सबसे पहले 5 केजी ऑफ मीट, प्राइस फॉर 5 केजी मीट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो रुपीज 2500 जो है वो प्राइस ऑफ द मीट है एक्सक्लूडिंग टैक्स। अब हम इस पे टैक्स भी लगा रहे हैं, फॉर एवरी किलोग्राम ही परचेज ही हैज टू पे 6% टैक्स। तो हमें पता है कि 6% टैक्स इस पे हमने मालूम करना है कितना होता है, एक किलोग्राम पे कितना परसेंट टैक्स हम भरेंगे। तो 6% का मतलब होता है 6/100, और मल्टीप्लाइड बाय किसका 6%, 500 का मल्टीप्लाइड बाय 500। तो ये दो जीरोज आपस में कैंसिल हो गए, रिमेनिंग इज 6 × 5, सो 6 × 5 रुपीज़ 30 पर केजी। एक किलोग्राम पे वो टैक्स कितना देगा, 30 रुपीज़। तो उसने बाय कितना किया है, 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम के हिसाब से टैक्स कितना देगा, वो टैक्स देगा 5 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये हो गया 150 रुपीज़। 150 रुपये वो टैक्स की मद में अमाउंट पे करेगा, और जो प्राइस ऑफ मीट है वो कितनी है, 2500। तो टोटल प्राइस दैट ही हैज टू पे, अमाउंट ही हैज टू पे इज इक्वल टू 2500, ये तो कॉस्ट ऑफ मीट है, प्लस 150 वो है टैक्स, कॉस्ट ऑफ मीट। तो 2500 प्लस 150 रुपीज, दोनों को एड अप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, रुपीज 2650। सो दिस इज द अमाउंट दैट ही हैज टू पे इन टोटल, 2650 रुपीज। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। अच्छा जी गाइस, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, सीएसएस 2017 जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन नंबर 7 बी में कहा है कि इट टेक्स अली 30 मिनट्स टू मार्क अ पेपर, असलम ओनली नीड्स 25 मिनट टू मार्क अ पेपर, If they both start marking paper at 10 a.m., at what time they will finish marking at the same time? दोनों इकट्ठे मार्किंग कब जो है फिनिश करेंगे। तो अगर हम गौर से देखें कि 10 बजे ये भी स्टार्ट कर रहा है, 10 a.m. पे ये भी स्टार्ट कर रहा है, इसको हम लग रहे हैं 30 मिनट्स और इसको लग रहे हैं 25 मिनट्स। तो अगर अली का अगर हम देखें तो वो अपना पहला पेपर मार्क कब करेगा, 10:30 तक, और असलम को कितना टाइम लगेगा, 10 पे स्टार्ट करे तो 25 मिनट के हिसाब से 10:25 पे ख़त्म करेगा। अब इन दोनों का टाइम सेम नहीं है, मैच नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेपर मार्क करना शुरू करेगा असलम टिल 11 AM, क्योंकि 30 मिनट्स का टाइम है, और असलम को 10:25 से शुरू करेगा टिल आपका 10:50 तक, बिकॉज टाइम इज 25 मिनट्स। सिमिलरली इनका अगेन टाइम सेम नहीं हुआ, तो अगेन वी विल कंटिन्यू 11 to 11:30, और ये 10:50 to 11:15, अगेन टाइम सेम नहीं हुआ, तो लिहाजा अगेन हम कंटिन्यू करेंगे 11:30 से, और ये 12, और ये 11:15 से 11:40 तक, अगेन दोनों का टाइम सेम नहीं है, लिहाजा अगेन हम इसको कंटिन्यू 12, ये पीएम हो गया, ये भी पीएम हो गया, टू
12:30 PM और ये 11:40 से स्टार्ट करेगा टिल 12:05 AM तक, और इसको अगर हम कंटिन्यू करें ये 12:05 से लेके 12:30 PM तो ये आपका PM हो जाएगा। अब अगर हम गौर से देखें कि इसका टाइम पीरियड 12:30 पे इसने भी फिनिश किया और 12:30 पे इसने भी फिनिश किया, बट इसने कितने पेपर मार्क किए, इसने पेपर मार्क किए 6, इसने पेपर कितने मार्क किए 5। अब इस तरह अगर हम करने जाएंगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जामिनर में। ये तो अच्छा हुआ कि ये 12:30 बजे इन दोनों का टाइम मैच हो गया। अगर टाइम इन दोनों का मैच नहीं होता, अगर इनका टाइम मैच होता 5:00 बजे, तो हमारा तो पूरा दिन इसको सॉल्व करने में लग जाता। सो देयर इज अ शॉर्टकट। हमें पता है कि असलम को टाइम लगता है 25 मिनट्स और अली को लगता है टाइम 30 मिनट्स। सो वी हैव अ ईजी सोल्यूशन कि हम इन दोनों का ले लें LCM। इन दोनों का अगर हम LCM लेने जाएं तो क्या होगा, 30 और 25। अब LCM निकालने का तरीका 2, 15 और 25, फिर 3, 5 और 25, फिर 5, 1 और 5, 5, 1 और 1। तो ये आपकी जो है वो LCM होगी, और LCM कितनी होगी, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 × 5 = 150 minutes। इसका मतलब ये है कि असलम और अली का टाइम मैच होगा आफ्टर 150 मिनट्स, और 150 मिनट्स का मतलब क्या है, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, 2 आवर्स में 120 मिनट्स एंड 2.5 आवर्स में 150 मिनट। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये 10 बजे शुरू करते हैं तो 2.5 घंटे के बाद, मतलब 10 AM पे शुरू करते हैं तो 2.5 घंटे कब होंगे, ऑब्वियसली 12:30 बजे। तो इनका टाइम क्या होगा, सेम हो जाएगा, और वही हमारा यहाँ पे आंसर आया था। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था, यू हैव टू डू इट इन दिस मैनर। तो 12:30 बजे आउट एट 12:30 एट वॉट टाइम दे विल फिनिश मार्किंग एट द सेम टाइम, दे विल फिनिश मार्किंग एट द सेम टाइम एट 12:30 PM। सो दिस इज योर आंसर, और इसको इसका तरीकेकार क्या है, LCM वाला तरीका जो मैंने आपको बताया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज। CSS 2017 का क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी पार्ट हमने सॉल्व किया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि 2 बस टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद एंड 3 बस टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू मरी कॉस्ट ₹770, बट 3 टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद एंड 2 बस टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू मरी कॉस्ट ₹730। और इसके आखिर में वो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेयर फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी टू मरी। तो ऑब्वियसली हमें ना रावलपिंडी टू इस्लामाबाद का पता है और ना रावलपिंडी टू मरी का पता है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद का जो फेयर है वो एक्स है और रावलपिंडी से मरी का जो फेयर है दैट इज वाई। नाउ फ्रॉम द गिवन डेटा वी कैन से दैट 2 × x + 3 × y इज इक्वल टू 770। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3y इज इक्वल टू 770। सिमिलरली फ्रॉम दिस ये जो गिवन डेटा है, यहाँ से रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जो टिकट का फेयर है वो अज्यूम किया हमने x, तो ये हो जाएगा 3x + 2y। 3x + 2y इज इक्वल टू 730 rupees। Now we have 2 equations. We have 2 variables and 2 equations. We can easily solve these 2 equations. ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम कोशिश करते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल सेम हो जाए, तो लिहाजा इस y को हम मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाई टू, और नीचे वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाई 3, ताकि y वाला जो वेरिएबल है वो सेम हो जाए।
तो ये किस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 1540। अब नीचे वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 730, तो ये आपका हो जाएगा 0, 9 and 21, 2190। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्लस का ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, तो ये y वाला जो वेरिएबल था वो एलिमिनेट हो गया, बाकी रिमेनिंग इज माइनस 5x बिकॉज 9 इज ग्रेटर, और यहां से आपका जो आंसर आया दैट इज 2190 में से आप माइनस कर दें तो ये आपका आ गया माइनस 650। माइनस माइनस विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो एक्स विल बी इक्वल टू 650 डिवाइडेड बाय 5, सो योर आंसर वुड बी एक्स रुपीज 130। तो इसका मतलब ये हुआ कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद का जो फेयर है वो कितना है, रुपीज 130। सिमिलरली हमें x की अब वैल्यू मालूम हो गई है, तो हम इन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ y। तो हम इसी वाली इक्वेशन को पुट कर देते हैं, 2x, x की वैल्यू है 130 प्लस 3y इज इक्वल टू 770। सो सिंप्लीफाइंग इट दिस विल बिकम 260 प्लस 3y इज इक्वल टू 770। तो 260 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 3y इज इक्वल टू 770 माइनस 260, तो ये दिस विल बिकम 510, 3y इज इक्वल टू 510, तो y विल बी इक्वल टू 510 डिवाइडेड बाय 3, सो योर आंसर वुड बी रुपीज 170। सो द फेयर ऑफ फेयर फ्रॉम रावलपिंडी टू मरी इज रुपीज 170 एंड द फेयर फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद इज रुपीज 130। तो दोनों का फेयर हमें पता चल गया, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 CSS 2017 का ए बी और सी पार्ट कर लिया, अब हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट पार्ट दैट इज डी पार्ट। ये मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें एग्जामिनर ने कहा है कि ए टोल्ड बी, ए ने बी को बताया कि सी इज हिज फादर्स नेफ्यू, ठीक है जी। तो ए ने बी को बताया कि सी जो है इसके फादर का नेफ्यू है, तो नेफ्यू का मतलब यह है कि इस ए का जो फादर है उसकी कोई भी सिबलिंग्स, बहन या भाई की औलाद है। जब भी ये आपस में ए का फादर और ये सी आपस में नेफ्यू और अंकल का रिलेशन होगा, ठीक है जी। तो सी इज हिज फादर्स नेफ्यू, डी इज एज कजन, डी जो है वो ए का कजन है, बट नॉट द ब्रदर ऑफ सी, बट नॉट द ब्रदर ऑफ सी। अब यहां पे थोड़ा सा गौर करें, डी इज नॉट द ब्रदर ऑफ सी बट डी कैन बी द सिस्टर ऑफ सी, तो नॉट ब्रदर बट इट कैन बी, डी कैन बी सिस्टर ऑफ सी, सिंस सी का जो जेंडर है वो हमें पता है कि क्योंकि वो नेफ्यू है ऑफ हिज फादर, सो जेंडर इसका क्या होगा, मेल। बट वी डू नॉट नो द जेंडर ऑफ डी, और अंग्रेजों में जो है ये कजन का जो वर्ड है वो दोनों के लिए यूज होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो डी इज एज कजन बट नॉट द ब्रदर ऑफ सी, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट डी इज सिस्टर ऑफ सी। तो द रिलेशन बिटवीन डी एंड सी इज ब्रदर एंड सिस्टर, अच्छा जी। सिमिलरली यहां पे ये क्वेश्चन यहां पे आपका एंड हो जाएगा, पर देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके फादर की सिबलिंग में से एक औलाद है जो है वो सी, और इसके फादर के कोई दूसरी सिबलिंग्स हैं जिसमें से है डी,
जिसमें से है डी, डी जो है उसकी औलाद है। तो इसके फादर की एक सिबलिंग में से सी और दूसरी सिबलिंग में से डी, मतलब इसके फादर के बहन भाइयों में से एक की औलाद है सी और दूसरे की औलाद है डी। तो अंडर दैट कंडीशन डी एंड सी कैन बी कजन्स एज वेल। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अगर एग्जामिनर को आप दोनों ऑप्शन देंगे इट वुड बी बेटर, बट एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न एग्जामिनर आपको यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर वाला जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, बट यू कैन गिव देम बोथ आंसर। सो डी एंड सी कैन बी कजन्स और डी एंड सी कैन बी ब्रदर एंड सिस्टर एज वेल। तो ये बहन भाई भी हो सकते हैं और ये आपस में कजन भी हो सकते हैं। आई होप ये आपको मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन था वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।